सब्सक्राइब करें इंटेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मिले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले। ऐसे ही रोजाना डिजाइन वीडियोस में लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके चैनल इंटेट जगत में और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटेट जगत। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी मुझे याद आया कि आपको एक वीडियो दिखाना चाहिए और मैं एक वीडियो आपको दिखाने वाला ही था कि हमारा जो ये मॉडल की जन मॉडल जो मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगा, इसका फिनिशिंग वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये मेरा क्या है ना कि एक हाइड्रोलिक जो नीचे वाला ग्लास पल्ला है जो आप देख रहे हैं मेरे नीचे में, तो इस पे हम लोग का हाइड्रोलिक लगना है। मतलब जो हाइड्रोलिक है हमारा, मैं आपको दिखाऊंगा, ये हाइड्रोलिक जो है ये मेरा 10 केजी का है, मतलब ये पाँच केजी का है। तो पाँच केजी मिला के ये 10 केजी का होता है। तो हम लोग अभी 5 केजी का लगा रहे हैं, उसके बाद जो इसमें हमारा ग्लास लगेगा, इसमें आपको अगर ग्लास लगने के बाद एक मिनट थोड़ा लाइट ऑफ करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये जो है आप हाइड्रोलिक देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ये 5 केजी का है और ये हम लोग को डबल लगाना है। लेकिन अभी इसमें हम लोग का ग्लास नहीं लगा है, जब इसमें मिरर लग जाएगा ग्लास तो फिर इसमें हम लोग डबल लगा के देखेंगे कि इसमें लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये हाइड्रोलिक हम लोग लगाते कैसे हैं। तो मैं आपको इसका बैक कैमरा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको जैसे दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग करके रखा हुआ है, इस एरिया में भी हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। जैसे कि अंदर में हम लोग यहाँ पे पहले ऑटो हिंज का कब्जा हम लोग लगा लिया है यहाँ पे, और ऑटो हिंज का कब्जा लग गया है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे मार्किंग करने वाले हैं कि कैसे, मतलब ये हम लोग हाइड्रोलिक लगाएंगे। और ये जो मैं अगर इसका लेंथ का बात करूँ तो ये लेंथ हमारा 2 फीट का है, अप्रोक्स 22 इंच का है, और 22 इंच का हाइट हमारा अप्रोक्स ये 12 इंच का हाइट है। और ये जो गैप है ये हमारा 7 इंच का गैप है, इसमें हम लोग का यहाँ पे ग्लास लग जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको फिटिंग, ये हाइड्रोलिक फिटिंग कैसे लगता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को हाइट मापना होता है, इसका एक मेजरिंग होता है, मेजरिंग के हिसाब से ही आपको इसका मतलब पूरा एक बुकलेट में दिया हुआ रहता है कि आपको कैसा कितने हाइट पे लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये हाइड्रोलिक लगेगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने ये मेजरिंग हो रहा है, यहाँ पे मेजरिंग होने के बाद इसका एक प्लेट है जिसमें हाइड्रोलिक हमारा फिट होगा। ये प्लेट को हम लोग स्क्रू से टाइट देंगे, जैसे कि आप ये देखें ये वाला जो है, ये वाला हम लोग स्क्रू इसमें आपका टाइट देंगे। जैसे कि और इसको यहाँ पे साबुन से थोड़ा फ्री कर लेते हैं, और स्क्रू यहाँ पे ये वाला जो है इसमें हम लोग स्क्रू फिट करके इसको यहाँ पे टाइट देंगे। ये देखिए इसको यहाँ पर ऊपर वाला प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग लगाएंगे, वहाँ पर भी हम लोगों को फिटिंग का इसका जो हाइड्रोलिक है इसका यहाँ पर भी हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ उठाएगा। जिसमें इसका जो क्लिप है वो थोड़ा वर्टिकल थोड़ा लंबा में है, जैसे कि आप देख रहे हैं वो राउंड में था और ये थोड़ा लंबा में है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा राउंड में है, मैं आपको जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये वाला हम लोग राउंड फिटिंग है इसका, और यहाँ पे इसको 2 स्क्रू में हम लोगों ने टाइट दिया है, और यहाँ पे पल्ला में एक ये वर्टिकल क्लिप है जिसमें हम लोग का हाइड्रोलिक जो पंप है वो इसमें फिट होने वाला है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका राउंड है यहाँ पे इसको फिट करते हैं, और यहाँ पर इसको डाउन करके इसको फिट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे इसको फिटिंग किया, और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, और इसके बाद इसको आप आराम से
जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुश कर सकते हैं, ये देखिए, और ये जब आपको उठाना होगा ऐसे करके आप उठाएंगे, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, सुमन एक बार करेगा वो कॉल को, जैसे कि आप देख रहे हैं वाला, ये ऐसे दबाना पड़ेगा और इसमें उसका जब आपको ओपन करना होगा इसको आप हल्के से छोड़ दीजिए, ये अपना उठ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने पंप लगाया और यहाँ पे टोटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोगों का चार, मतलब यहाँ पे आपका चार है, मैं आपको चारों का मतलब दिखा दे रहा हूँ। सब में अभी हम लोगों ने सिंगल हाइड्रोलिक पंप लगाया हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, और इसमें भी मतलब काम के हिसाब से देखना है कि हम लोग का एक पे काम होता है या फिर दो हम लोग लगाना पड़ेगा, हम लोग दो प्रोविजन लेके चले हुए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हाइड्रोलिक पल्ला में कैसे लगाते हैं, तो ये मैंने आपको दिखाया, और ये हमारा जो हाइड्रोलिक है ये इप्को का है और ये हमारा 6 kg का है, ठीक है, ये इप्को का हमारा 6 kg का ये सेट है, मतलब 6 × 6 = 12 kg का एक, मतलब एक में हमारा एक पल्ले में 12 kg का प्रोविजन हम लोगों ने रखा है। तो जैसे कि आपने देखा ये हमारा हाइड्रोलिक कैसे लगता है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने देखा ये अभी हम लोगों ने हाइड्रोलिक इसमें लगाया है, और ये मतलब मैं इसलिए आपको दिखाया क्योंकि कभी कभी हाइड्रोलिक लगाने में या फिर हाइड्रोलिक काम में आता है ये प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।